हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी फॉर इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट ग्रामर फर्स्ट पार्ट सेंटेंस एंड इट्स काइंड। इन दिस वीडियो आई डिस्कस विद यू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड आल्सो टोल्ड अबाउट यू पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के भेद। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के भेद। वाक्य को हम जो है कितने भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। उसके बनावट के आधार पर, उसके यूज के आधार पर और उसके जो फॉर्म है उसके आधार पर हम जो है वाक्य को कितने भागों में बांट सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बड़ा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि एकेडमिक के साथ साथ ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं हम जो है कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए भी यूज कर सकते हैं। जनरली जो है इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव बेस पे भी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम शुरू करते हैं टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने बताया कि उसके फॉर्म के आधार पर, बनावट के आधार पर जो है वाक्य को जो है हम आठ भागों में बांट सकते हैं। ये देखिए, ये सभी जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। दिज आर द एट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये आठ भाग हैं और इनको जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो इस वीडियो में मैं केवल आपको जो है वाक्य के भेद जो है इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, डीपली जो है डिस्कस नहीं करेंगे। डीपली डिस्कशन जो हम बाद में होगा जब हम वन बाय वन जो एक एक टॉपिक लेंगे, जैसे नाउन के टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, बट यहाँ केवल हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या है। नाउन को यदि हम बात करें हिंदी में लिखें तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। आप सभी ने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा क्या है, ठीक है, नाउन क्या है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है नाउन के साथ आप देख सकते हो। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, देख लीजिए ये, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग्स और पर्सन। मतलब कहना चाहता है कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को जो है संज्ञा कहा जाता है। जितने भी संसार में हम चीज़ें देखते हैं, चाहे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, वो सभी क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। यदि सेंटेंस की बात करें, जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यहाँ पे इंडिया क्या है, इंडिया एक प्लेस है, तो एक नाउन हुआ। उसी प्रकार से जैसे सोहन इज अ स्टूडेंट्स, तो सोहन इज अ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सोहन क्या हुआ, एक नाउन है, ठीक है। उसी प्रकार के स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, एक नाउन है, वो कि पूरी स्टूडेंट्स जो है जाति का बोध कराता है, तो वो जो है नाउन है। तो ये इस प्रकार से देखते हैं तो किसी व्यक्ति, पर्सन, ठीक है, प्लेस, स्थान, थिंग्स, वस्तु, इन सभी का जो बोध कराए वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी की बात करें, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो ये क्वालिटी हो गई। उसके बाद स्टेट है, पोजिशन, जैसे रनिंग, वह दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से जो है ये सभी जो है नाउन को जो है इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें, प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, इट्स ओके, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है नाउन प्रोनाउन के बारे में कि इस सेंटेंस में जो है प्रोनाउन क्या है, कहाँ पे यूज हुआ है, इस प्रकार के जो कॉम्पिटेटिव बेस जो है क्वेश्चन भी हम यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन क्या है, इट्स ओके। प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए, तो अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ, देखिए यहाँ से समझिए, प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि जो नाउन की जगह पे यूज किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। अब कैसे करेंगे, जैसे मैंने सेंटेंस बोला था कि राम इज अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पे राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, राम इज अ गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट यदि हम इसी के बारे में कोई और क्वालिटी की बात करें, ही गोज टू स्कूल डेली, अब यहाँ पे राम की जगह पे हमने क्या यूज किया, ही यूज किया, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ नाउन, नाउन क्या था यहाँ पे, राम, उसकी जगह पे हमने क्या यूज किया, ही यूज किया, तो यहाँ पे ये यह हुआ, राम इज अ गुड स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल डेली, हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज मदर इज अ हाउस वाइफ, ठीक है। तो हमने जो उसकी जगह पे बार बार हमने राम राम यूज न कर करके ही और हिज जो है वहाँ पे यूज किया है। तो बात करते हैं प्रोनाउन की, प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन तरह के प्रोनाउन्स होते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस हम जो है प्रोनाउन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स आप जो है अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप जो है पहले भी सीख चुके हो, हिंदी में भी आप जानते हो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को यदि हिंदी में लिखे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वनाम,
ठीक है, ये जो है सर्वनाम कहलाती है, सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव को यदि हिंदी में देखें तो इसको हम बोलेंगे विशेषण, विशेषण। ठीक है, विशेष से बना विशेषण, यानी कि ऐसा वर्ड से जो किसी चीज़ की विशेषता प्रकट करे। हिंदी में आपने पढ़ा होगा विशेषण क्या है, ठीक है। तो यदि उसकी हिंदी में डेफिनेशन देखें तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में देखें एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग, यहाँ से देखिए, यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन प्रोनाउन। जब नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे, उसकी क्वालिटी को जो आगे बढ़ा दे, तो उसे हम जो है एडजेक्टिव कहेंगे, विशेषण कहेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक वर्ड होता है यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में उसको ऐड कर देना, उसको ऊपर बढ़ाना, ठीक है, उसकी क्वालिटी को एक्सटेंड करना जो है क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। देख लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, यदि साथ के साथ नोट नहीं कर रहे हो आप तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एडजेक्टिव के वर्ड्स की यदि बात करें, जैसे गुड, पुअर, ऑनेस्ट, ब्रेव, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, मैं यदि आपसे सेंटेंस बोलूँ कि सी इज अ गुड प्लेयर, यहाँ पर सी इज अ गुड प्लेयर, किसी खिलाड़ी की बात हो रही है, सी इज अ गुड प्लेयर, यहाँ पर गुड क्या है, ठीक है, उस प्रोनाउन की जो विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा खिलाड़ी है, जैसे सी इज अ प्लेयर, वह खिलाड़ी है, लेकिन कैसा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सोहन इज अ पुअर बॉय, ठीक है, सोहन इज अ पुअर बॉय, सोहन इज अ बॉय बट कैसा बॉय है, पुअर, गरीब है, ठीक है, ऑनेस्ट है। ठीक है, राहुल इज अ स्टूडेंट, राहुल इज अ स्टूडेंट, यदि इसके राहुल की विशेषता को हमने और ज़्यादा एक्सटेंड करना है, राहुल इज अ स्टूडेंट्स, लेकिन कैसा स्टूडेंट्स है, राहुल इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, राहुल क्या है, एक अच्छा स्टूडेंट है। इट्स ओके, जैसे सोल्जर इज अ सोल्जर, वैसे तो सोल्जर बहादुर ही होते हैं, उसके लिए हमें कोई एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी ही इज अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सैनिक है। इट्स ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद चलते हैं वर्ब, वर्ब को हम हिंदी में देखेंगे क्रिया, काम करना जिसको हम कहते हैं, क्रिया काम जिस करना बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखें, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। सेंटेंस के अंदर कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग्स, यानी कि एक वर्ड्स में देखिए तो यदि नाउन यूज हुआ है, ठीक है, सेंटेंस में नाउन यूज हुआ है और उसमें वर्ड यूज टू से समथिंग, उसके बारे में जो कहा जाता है, नाउन के बारे में जो कुछ कहा गया, मीन्स उसने जो कुछ काम किया है, वो कोई एक्शन किया है, वो वर्ब जो है, क्रिया कोई एक्शन किया है, वो जो है वर्ब कहलाती है। सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन है और उसने जो काम किया है वो क्या कहलाएगी, उसकी वर्ब कहलाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए शीला इज वॉचिंग टीवी, शीला इज वॉचिंग टीवी, यहाँ पर शीला क्या कर रही है, शीला जो है टीवी देख रही है। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, टीचिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, उसी प्रकार से शीला इज वॉचिंग, इज वॉचिंग क्या है, क्रिया है, गोज जाना यहाँ पे क्रिया है। यदि हम एक इस प्रकार के सेंटेंस को यदि हिंदी में लिखे, और हिंदी में जब सेंटेंस बनता है और उसके पीछे वाला जो वर्ड्स आएगा, जैसे जाता है, ठीक है, देख रही है, पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो पूरा वर्ड्स आया लास्ट में, पढ़ा रहा हूँ, देख रही है, जाता हूँ, ये क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, और यदि इसका आंसर हम क्वेश्चन बनाए, तो क्वेश्चन में जब मान लीजिए क्या वर्ड्स आ जाता है, वह क्या खाता है, क्या कर रहा है, क्या करेगा, क्या कहेंगे, तो इस प्रकार का जो आंसर बनेगा वो उसकी क्रिया है। जैसे मान लीजिए वह क्या करता है,
क्या करता है, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे जो वर्ड्स आया वो क्या है, वो वर्ब कहलाएगी। उसके बाद एडवर्ब की बात करें, एड प्लस वर्ब ये होगा हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अब मान लीजिए जो शब्द जो है क्रिया की विशेषता प्रकट करे तो क्रिया विशेषण हो गया। यदि इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें, एडवर्ब, एन एडवर्ब मॉडिफाइज एनी एक्सेप्ट एनीथिंग, यहाँ पे एनीथिंग आना था, ठीक है, मॉडिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। यानी कि एडवर्ब क्या है, इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर और इंटरजेक्शन को छोड़कर, उन सभी बाकी सारे जितने वर्ड्स हैं उन सभी को जो मॉडिफाइज कर दे, मॉडिफाइज कर का मतलब होता है बढ़ाना, उनके उनके यूजेज को, उनकी इंपॉर्टेंस को, उनकी क्वालिटी को एक्सटेंड करते, उनको मॉडिफाई करते, वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, वो वर्ड्स जो है एडवर्ब कहलाएंगे। एन एडवर्ब मॉडिफाइज एनी एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, इन तीन चीज को छोड़ के सेंटेंस के अंदर जितने भी बाकी सारे वर्ड्स हैं उन सभी की विशेषता को मॉडिफाइज करने वाले वर्ड्स को जो है हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको आपको सेंटेंस बोला था कि सी इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला सी इज अ गुड प्लेयर, हम मैंने उसके साथ गुड लगा दिया तो वो क्या हो गया, वो एक एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद सी इज अ वेरी गुड प्लेयर, हमने उसके साथ लगा दिया वेरी, ठीक है, वेरी, सी इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो बहुत अच्छी, ठीक है ना, बहुत अच्छी खिलाड़ी, अच्छी तो है ही है लेकिन उसके साथ साथ हमने वेरी भी लगा दिया तो बहुत अच्छी खिलाड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद जस्ट है, मान लीजिए द एरोप्लेन इज जस्ट फ्लू ओवर माई हेड, भाई एरोप्लेन तो उड़ रहा था, ठीक है, लेकिन जस्ट ओवर, जस्ट फ्लू, अभी अभी जो है मेरे सिर के ऊपर से जो है प्लेन गया है, जहाज जो है अभी जस्ट यहाँ से गया है, तो यहाँ पर जस्ट अभी, ठीक है, प्रोबेबली शायद, ये इस प्रकार के कुछ वर्ड्स हैं और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम जो है डिस्कस करेंगे जब हम डीपली जो है एडवर्ब्स वाले टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको जो है बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, आपको फिर भी कोई पॉइंट जो लगता है कि यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हो, इट्स ओके। तो नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक शब्द, संबंध बताना, ठीक है, हम किसके साथ संबंध है देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, पर यहाँ से आपको शायद दिखाई ना दे पाए। प्रीपोजिशन यहाँ से देख लीजिए, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, पर यहाँ से इज अ वर्ड यूज विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन प्लेस थिंग्स डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू स्टैंडिंग एल्स। यहाँ पर यह कहना चाहता है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड्स है जो ये शो करता है, जो ये शो करता है कि नाउन और प्रोनाउन में और दूसरे नाउन प्रोनाउन का यूज हुआ है तो वो एक दूसरे के किस साथ किस प्रकार संबंधित है, कैसे खड़े हुए एक दूसरे के साथ, वो ये बताना चाहता है। यहाँ से समझिए आप इसको, यूज विद अप नाउन और प्रोनाउन टू शो, दिखाने के लिए, हाउ, कैसे, द नाउन प्लेस और थिंग्स डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन, किस प्रकार के रिलेशन में है वो ये दिखाना चाहता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इन है, ऑन है, टू है, फ्रॉम है, ऑफ है, जैसे मान लीजिए आई गो टू स्कूल, यहाँ पर आई गो टू स्कूल, एक तो आई हुआ प्रोनाउन, दूसरा क्या है स्कूल, ये नाउन हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, उसको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर वैसे जोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, एक तरह से उनके बीच में रिलेशन क्या है उसको शो करने के लिए है। तो यहाँ पर टू क्या है, एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद यदि मान लीजिए हम बात करें कि जैसे आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई, ठीक है, क्या है, प्रोनाउन है, और बोर्ड क्या है, एक नाउन है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करने के लिए क्या है, ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, यह दिखाने के लिए आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं लिख रहा हूँ किस पे,
बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप जो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर भी कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप जो है कॉमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद आता है कंजंक्शन। प्रीपोजिशन का मैंने यहाँ पे लिखा संबंध सूचक शब्द, ये जो है इसका हमारा हिंदी का हो गया। उसके बाद कंजंक्शन जिसको संयोजक भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, योजक कह सकते हैं, योजक। और इंग्लिश की बात करें तो इसको लिंकर्स भी कहा जाता है और कनेक्टर भी कहा जाता है, कनेक्ट करना, जोड़ना, ठीक है। अब देखिए जोड़ने के लिए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कपड़े डालते हैं, ठीक है। कपड़ा क्या होता है, बिल्कुल एक पूरी तरह से एक थान होता है उस, और उसको जोड़ने के लिए, स्टिच करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ की जरूरत पड़ती है जिसमें हमें नीडल और धागे की जरूरत पड़ती है, ठीक। उसी प्रकार से मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को जोड़ने के लिए हमें जो फेविकोल की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से प्लास्टिक को जोड़ने के लिए हमें जो है फेविक्विक की जरूरत पड़ेगी। तो एक पर्टिकुलर चीज़ से जो है पर्टिकुलर चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। उसी प्रकार से कंजंक्शन की सहायता से हमें हम जो है सेंटेंस को टू वर्ड्स एंड मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और मोर देन टू, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, वाक्यों और शब्दों को जोड़ने के लिए जिस वर्ड्स का यूज किया जाता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं, जैसे एंड, बट, और, एज, इफ, ये सभी क्या है, कंजंक्शन है। और भी बहुत सारे हैं बट बात करेंगे जब हम डीपली जो है इनको डिस्कस करेंगे, इट्स ओके। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम जो है क्या है, अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ राम और श्याम को किसने जोड़ा, एंड की सहायता से जोड़ा। उसी प्रकार से जैसे रोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पर रोहन क्या है, ईमानदार भी है लेकिन क्या है, कैसा है, गरीब है लेकिन ईमानदार है। रोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, ईमानदार भी, गरीब भी है लेकिन ऑनेस्ट भी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए और प्रीपोज, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नाउन और प्रोनाउन भी, या तो थिंग्स और ये पर्सन, यहाँ पर देखिए ये और, इन दो चीज़ों को जोड़ने के लिए दोनों में से एक और का मतलब होता है या। उसी प्रकार से इफ़ की बात करें, जैसे इफ़ यू प्ले फ्लूट आई विल सिंग आ सॉन्ग, यदि तुम फ्लूट को प्ले करते हो, फ्लूट क्या होता है, बांसुरी, यदि तुम बांसुरी को प्ले करते हो देन आई विल सिंग अ सॉन्ग। तो ये कंजंक्शन हो गए। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, विस्मय सूचक शब्द। विस्मय का मतलब होता है हैरानी होना, एकदम से सडन फीलिंग्स आना, उन ऐसे वर्ड्स को शो करने के लिए जो हम क्या यूज करते हैं, इंटरजेक्शन करते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड्स विच शो सम सडन फीलिंग्स, जो हमारी अचानक से भावनाएं जो आती हैं, हम उन भावनाओं को शो करने के लिए हमारे जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको यूज कहा जाता है इंटरजेक्शन, इसको बोला जाता है विस्मय सूचक। यदि हिंदी में लिखें तो विस्मय सूचक शब्द, ये हो गई जी विस्मय सूचक शब्द, ठीक है। इसमें जो हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे हुर्रा है, अलास, आह, ब्रेवो, ओह, ठीक है। और ये किस किस चीज़ को शो करते हैं, जैसे हुर्रा, हुर्रा मीन्स जॉय, खुशी। आप यूज देखिए, आप लोग भी जो है जब कहीं खेलने के लिए जाते हो, कोई अच्छी चीज़ देखते हो तो एकदम से हमें जो है खुशी हो जाती है कि हुर्रे वी हैव वन द मैच, ठीक है, हुर्रे माई फादर गिव मी 10 रुपीज़। तो इस प्रकार की कुछ फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, बट ये तो हुर्रे जो है खुशी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अलास क्या है, ये जो सोरो का सिंबल है, सोरो ये दुख का सिंबल है, ठीक है। आह ये जो है ये भी अचानक से जो है जॉय खुशी, ये भी, ठीक है। ब्रेवो जो है एक कोई बहादुरी का प्रतीक है, ठीक है। ओह ये भी सडन फीलिंग्स है, जैसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये सारी के सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स हुए। और एक सेंटेंस जिसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस की थी सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस की टाइप्स बताए थे, उन्हीं में से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक प्रकार था। यदि आपने हमारी सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक डाला है, वहां से आप जो हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये हुआ इंटरजेक्शन की बात। यदि सेंटेंस की बात करें, मैंने बताया कि हुर्रे वी हैव वन द मैच,
एलास हिज मदर हैज डाइड, ठीक है, दुख की बात है, एलास बोलेंगे, ठीक है। ब्रेव यू डन इट, बहुत अच्छी बात कि तुमने ऐसा कर दिखाया। ओ आई अंडन, आई हैव अंडन। तो इस प्रकार वर्ड्स जो है इंटरजेक्शन वर्ड्स है, विस्मय सूचक है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को जो है ये अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो आप जो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये इस प्रकार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप जो है रेगुलर जो है इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो। स्टूडेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसको प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंस के पार्ट्स को पहचानिए, ठीक है, जो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। स्टूडेंट्स आई होप आप जो है अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, बड़ी खुशी होगी यदि आप मुझे जो है कॉमेंट करके अपने व्यू हमें देते रहें। तो इसी प्रकार से कल से हम जो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके लिए आप जो है लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दूसरी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेगी। अभी जो है साइंस की वीडियो हमने कल डाली थी, उसके बाद जो मैथ्स की वीडियो भी आज साथ डाल दें। तो स्टूडेंट्स लगातार अपडेट के लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन हो उसको जो है दबाएं, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट उम्मीद के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।